are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। हांगकांग के क्रिप्टो एम्बिशंस ने मेनलैंड चाइना के क्रैकडाउन को तोड़ा। पेपाल ने सोलाना ब्लॉकचेन को PYUSD इंटीग्रेशन के लिए चूज किया। स्पीड और लो फीस। US ट्रेजरी क्रिप्टो मिक्सचर्स को बैन करने की कोशिश नहीं कर रहा, टॉप ऑफिशियल कहते हैं। स्पेन का सेंट्रल बैंक लॉन्च करता है थर्ड होलसेल CBDC ट्रायल। ZCasino अफेक्टेड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए 72 आवर्स रिफंड विंडो अनाउंस किया। जेमिनी ऑन कस्टमर्स को फुल क्रिप्टो रिडेम्पशन मिलता है। ओवर $2 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। कॉम्टूअर्स ने वॉकिंग डेड और समनर्स वॉर्स गेम्स का ओसिस नेटवर्क भी लॉन्च किया। अ लेयर वन ब्लॉकचेन डिजाइन फॉर ओमनी चेन एक्सपीरियंस एंड फुल चेन एब्स्ट्रैक्शन। मास्टर कार्ड का क्रिप्टो क्रेडेंशियल्स P2P पायलट प्रोग्राम लाइव हो गया। SEC ने इन्वेस्टर को क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटी स्कैम्स पे वार्निंग दी। फैंटम ने मेजर ओपरा अपग्रेड अनवील किया, जिससे प्राइस रिबाउंड की उम्मीद है। सेनेटर ल्यूमिस कहते हैं कि क्रिप्टो US इकोनॉमी में इलेक्शंस के बाद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चाइना के रेगुलेटरी प्रेशर्स के कारण क्रिप्टो फर्म्स हांगकांग से दूर जा रही है। OKX, Gate.io, KuCoins, Binance और HTX ने हांगकांग में अपने VAT लाइसेंस एप्लीकेशन विदड्रॉ कर लिए हैं। SFC ने फर्म्स को June 1 लाइसेंस डेडलाइन का रिमाइंडर दिया, ताकि वो हांगकांग में ऑपरेट करते रहें। ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पापेल्स अपने पापेल USD स्टेबल कॉइन्स को सोलाना ब्लॉकचेन्स में इंटीग्रेट करने वाला है, जो मीम कॉइन इशुअर्स के लिए इंक्रीजिंगली प्रेफर्ड चॉइस बन रहा है। US डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी क्रिप्टोकरेंसी मिक्सिंग सर्विसेज को बैन करने की कोशिश कर रहा है। एक टॉप ऑफिशियल ने वेडनेसडे को कहा। कॉइनडेस्क के एनुअल कंसेंसस कॉन्फ्रेंस ने ऑस्टिन में बोलते हुए ब्रायन नेल्सन, जो ट्रेजरी के अंदर सेक्रेटरी ऑफ टेररिज्म एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, ने फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क ने 2023 प्रपोजल को एड्रेस किया, जो मिक्सर्स को प्राइमरी मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न क्लासिफाई करना चाहता है और वर्चुअल एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर से रिपोर्ट करना चाहता है अगर कोई क्रिप्टो ट्रांजेक्शन मिक्सिंग इन्वॉल्व करती है। स्पैनिश सेंट्रल बैंक ने अपनी होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के लिए थर्ड ट्रायल लॉन्च किया, जो एक नेटिवली डिजिटल पॉन्ड से फोकस करता है। बैंको और इस्पाना के मिनसेट के एक IT और कंसल्टिंग फर्म जो इंद्रा साइट्समैस की ओन है, एक साथ पार्टनरशिप की है। ट्रायल ये एक्सप्लोर करेगा कि एक होलसेल CBDC बॉन्ड मार्केट में एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्रिप्टो गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म ZCasino एक बार फिर स्पॉटलाइट में आया, जब उन्होंने अफेक्टेड यूजर्स को रिफंड अनाउंस किया। यह प्लेटफॉर्म पहले न्यूज में तब जब एलिजिबली इन्वेस्टर से $33 मिलियन चुरा लिए गए थे। जेमिनी के पॉज क्रिप्टो लैंडिंग प्रोग्राम से अफेक्टेड कस्टमर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने अनाउंस किया है कि $2.18 बिलियन वर्थ के डिजिटल एसेट्स कस्टमर्स को वापस दिए जाएंगे। कॉम्टूअर्स ग्रुप एक प्रोमिनेंट साउथ कोरियन गेम पब्लिशर्स ने ऑफिशियली ओसिस क्रिप्टो गेमिंग इको सिस्टम में एंटर किया। अपनी लेयर 2 चेन XPLA वर्स को लॉन्च करते हुए साथ ही 2 प्रोमिनेंट टाइटल्स को मेजर फ्रेंचाइजीज में अपने इंक्लूड किया है। गैलेक्सी Web3 का लार्जेस्ट ऑन चेन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ने आज अनाउंस किया कि अपकमिंग लॉन्च ऑफ ग्रेविटी एक Layer 1 ओमनी चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म जो ट्रांसफॉर्म करने का एम रखते हैं कि यूजर्स और डेवलपर्स Web3 के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो न्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।